हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांग और आप लोग देख रहे हो ईस्टर्न बॉयज कानपुर। तो आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांग और आप लोग देख रहे हो ईस्टर्न बॉयज कानपुर। तो यार, आज मैं अपनी बाइक चेक का वीडियो लेके आया हुआ हूँ विद प्राइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I got broads in the lineup, just to be in the final. Credit cards in the scammers, getting no licks in the band. Legacy. तो गाइस यार, वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर रेट बताऊंगा और मेरे बाइक में कितना कौन कौन सा सामान लगा है विद प्राइस मैं बताऊंगा आपको। तो यही करते हैं कि वीडियो स्किप ना करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेम से तो सो गाइस यार, ये जो मेरा फ्रेम है एटलस मुस्कुराओ ना गए। तो गाइस यार, ये जो फ्रेम है एटलस अल्टीमेट का फ्रेम है, ये मैंने सेकंड हैंड फ्रेम लिया था 5000 के अराउंड। और आप लोग जो फ्रेम यूज़ कर सकते हो, तो ये स्टील फ्रेम है, आप लोग फ्रेम यूज़ करिएगा, एटलस का यूज़ कर सकते हैं, या मोंट्रा बाइक आती है वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एटलस का अल्टीमेट का फ्रेम है, ये मेरे को 5000 के अराउंड मिला था। तो सो गाइस यार, फ्रेम के बाद जो मेन चीज़ आती है फॉर्क है। ये मेरा SR सतूर M30 फॉर्क है, ये मेरे को 5K का अराउंड पड़ गया था शिपिंग सब लगा के। बस यही कहना है। तो सोगा यार, पीछे का व्हील सेटअप की बात करते हैं। तो व्हील सेटअप में मेरा सबसे पहला आता है टायर मैक्सिस वुकोंग, जो स्टैंड राइडिंग के लिए एकदम बेस्ट टायर रहता है। मैक्सिस वुकोंग मैं पीछे यूज़ कर रहा हूँ। ये टायर 2K का अराउंड मिला था, मगर अब तो इंडिया में बहुत रेयर है कि मिल जाए, क्योंकि बहुत अब कम ही स्टॉक है इसका। और फिर इसके बाद बात करते हैं ट्यूब का। मैं रायलसॉन का ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ 26। और फिर अलॉय रिम, ये साइकिल का स्टॉक अलॉय रिम है, 36 होल का अलॉय रिम है। और फिर हब की बात करते हैं, मैं कॉन्डो का हब यूज़ कर रहा हूँ, वो भी 36 होल का हब है। तो गाइस यार, गियर सेटअप के ऊपर बात करते हैं। तो मैं फ्री व्हील यूज़ कर रहा हूँ शिमानो का मेगा रेंज 7 स्पीड फ्री व्हील। ये मेरे को 850 रुपये का मिल गया था, यहीं पैडल प्रो से। मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और टोर्नी की मैंने मशीन भी वहीं पैडल प्रो से ली थी, मेरे को 750 की पड़ गई थी। और चेन आप लोग लोकल यूज़ कर सकते हो, 150 रुपये वाली भी मैं चेन यूज़ कर रहा हूँ उस वक्त। और फिर क्रैंक के ऊपर बात करते हैं, मैंने क्रैंक भी वहीं से लिया था 850 रुपये का, इस साइड का क्रैंक और ये जो फ्री क्रैंक रहता है ये भी मैंने ले लिया था। और फिर ये चेन एक्सटेंशन मैंने कस्टम बनाया है अपने हाथों से, एक वीडियो भी आएगी उस पर आप लोग चेक कर लेना। और फिर बचता है क्या, पैडल, ये अलाय पैडल, ये 400 के अराउंड आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में। और बस अब तो कुछ नहीं रह गया, खड़ा थक गया जरा, थोड़ा बैठ गया। तो सो गाइस, जब बात करते हैं ब्रेक सेटअप के बारे में, पीछे से चालू करते हैं। तो ये मेरा जो रोटर है 203mm जीटो का रोटर है, ये मैंने अली एक्सप्रेस वे से मंगाया था। अब तो अली एक्सप्रेस वे बैन हो चुका है इंडिया पे, जैसे कि पता ही है। ये मेरे को तब पड़ा था 1800 रुपये का अराउंड कुछ पड़ा था। और जो ब्रेक मैं यूज़ करता हूँ, ये MT200 ब्रेक है, और MT200 का कैलिपर, MT200 का लीवर, दोनों सब MT200 का। और पोस्ट माउंट मैं जुगाड़ से चलाता हूँ, जुगाड़ इंडिया में बहुत चलता है जुगाड़। तो सो गाइस यार, जो अब आगे की ब्रेक की बात करते हैं, ये रोटर देख रहे हो, परसों मैंने मंगाया है। तो ये जो मैंने रोटर मंगाई है 180mm एयर फ्लो रोटर है, ट्रैक्टरों का एयर फ्लो है। और ब्रेक मैं सेम वही यूज़ कर रहा हूँ, MT200 का लीवर और MT200 का कैलिपर। और आगे भी जुगाड़ से चला रहे हैं हम, क्योंकि पोस्टमाउंट अभी मैंने नहीं लगाया 180, ले लेंगे जल्दी, उसका भी आ जाएगा वीडियो। और अब आगे की व्हील सेटअप की बात करते हैं। आगे का व्हील सेटअप मैं अलॉय रिम यूज़ करता हूँ, और ये जो ट्रैक्टर, ये क्या ट्रैक्टर ये टायर मैंने यहीं लोकल से ले लिया था, क्योंकि मैक्सिकॉम देख रहे हो एकदम आसमान भी चल रहा है। तो ये सही साइड ग्रिप दे देता है रोल वोल में। और अलॉय रिम की बात करते हैं, साइकिल का स्टॉक अलॉय रिम है, और 36 ये भी होल का अलॉय रिम है। और कॉन्डो का आगे यूज़ कर रहे हैं, वो भी 36 का है। और कुछ नहीं रह गया, हाँ ट्यूब रायलसॉन का है यार। तो गाइस यार, कॉकपिट की बात करते हैं, ऊपर सब स्टैम्प हैंडल और गियर सब। तो यार, ये जो मेरा स्टैम्प है, ये मैंने 1800 रुपये का लिया था HT से, आप लोग भी ले सकते हो। और फिर हैंडल की बात करते हैं, ये हैंडल एक्चुअली ओरिजिनल है, मैंने इसको थोड़ा सा खिंचवा के बढ़वाया है, अब वो खिंचवाना मतलब समझ जाना। और फिर बैरिंग, मैं सील्ड बैरिंग तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यही लोकल बैरिंग यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और क्या रह गया, और हाँ गियर शिफ्टर,
ये जो गियर शिफ्टर है ये मेरे को 850 का मिल गया था गियर शिफ्टर, शिमानो का ओरिजिनल गियर शिफ्टर है यार। जितना मेरी साइकिल में प्रोडक्ट है आधे से ज़्यादा सब ओरिजिनल शिमानो का है, क्योंकि लोकल यार इतना चलता नहीं है। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ओरिजिनल सब लें, क्योंकि लोकल इतना नहीं चलता है ना। और ग्रिप्स की बात करते हैं, ये लोकल ग्रिप्स हैं, लॉक ऑन ग्रिप आप अमेजोन से ले सकते हो, 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको। और तो कुछ नहीं रह गया बस, अब कस्टम के ऊपर आ जाते हैं, जो मैंने अपने हाथों से कस्टम बना बना के लगाया है। जैसे कि यार ये देखो ये लग गया गाइस, कस्टम स्टैंड है अपने हाथों से बनाया है यार, वेल्ड वेल्ड करके। और पैग मैंने लगाए थे। और यार सबसे मेन चीज़ रहती है सीट। आओ गाइस आपको सीट दिखाते हैं। तो सोगा यार ये जो सीट है मेरी, ये पूरी कस्टम सीट है, जैसे कि देख सकते हो वेल्ड करा के मैंने पूरी कस्टम बनाई है। और फिर ऊपर से कवर लगा के फिर ये ब्लैक कलर की ग्रिप करके, और यहाँ पे देख रहे हो एक नट भी लगाया यार, क्योंकि सीट हम लोग स्टंटिंग में बहुत टूटती है, और अभी तक कोई ऐसी सीट नहीं बनी जो स्टंटिंग में एकदम बेटर हो, तो हम लोगों को कस्टम सीट बनानी पड़ती है। तो सोगा यार जहाँ तक सारी बाइक पूरी कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा है। यदि जिन को लोगों को नहीं समझ में आया बाइक में कौन सा पार्ट कहाँ है, वो इंस्टाग्राम में स्टंट बॉयज कानपुर, इधर कहीं आईडी आ रही होगी, इंस्टाग्राम स्टंट बॉयज कानपुर को DM करके आप पूछ सकते हो कि भाई क्या कैसा था। और सॉरी यार इसके लिए, क्योंकि वीडियोज अभी नहीं आ पा रही, हम लोग प्रैक्टिस और फिर कुछ इवेंट लगा था तो उसमें हम लोग बिजी थे। तो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग बता देंगे। तो मिलते हैं। अच्छा ये बात बताना है, साइकिल कैसी लगी? सही है, रेटिंग देना इधर 5 स्टार 3 स्टार, ठीक है? और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर होने वाले हैं 10K।